हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है। एक्चुअली मेरा कुछ एक वीक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। तेरे पास कोई और रास्ता है? इसे वायरल ही कहते हैं, वायरल फीवर हो रहा है अभी यहाँ पे सब कोई को। लेकिन यहाँ मुझे फीवर नहीं हुआ था, ना वॉमिटिंग ना लूज मोशन, लेकिन इतना वीकनेस, इतना बॉडी पेन कि मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ तक कि इनको भी एक दिन छुट्टी लेना पड़ गया। तो फ्राइडे ये छुट्टी लिए थे, सैटरडे संडे, मतलब थर्सडे रात से मेरा तबीयत, शाम से मेरा तबीयत ख़राब था। तो ये कुछ मंडे तक मेरा तबीयत पूरा ख़राब ही चल रहा था। ट्यूजडे मेरा थोड़ा तबीयत ठीक था, तो आज जाके मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और इधर है मिष्टी, तो मिष्टी अभी खेल रही है। मिष्टी देख लीजिए, आवाज़ तो आई रहा आप लोगों को, मिष्टी आजा बेटा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घर का कुछ काम निपटा के आई हूँ, बर्तन वर्तन धो के आई हूँ। अभी मेरा तबीयत ठीक है, अब मुझे वीकनेस नहीं है, वरना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होके रखा था, इतना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो अभी मैं ठीक हूँ, और एक कुछ दिन में इतना ज़्यादा आ जाओ। मिष्टी चिल्ला रही है। तो ये कुछ दिन में मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम फ्रेंड्स की घर का सारा काम, मतलब इधर उधर बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो इधर मैंने ढेर सारा कपड़ा धोया, कल धोया और आज धोया। तो ये सब धो के देखिए, इतना सारा कपड़ों का ये ढेर लगा हुआ है। तो ये पूरा ढेर है कपड़ों का, वो सब मुझे समेटना है। कुछ कपड़े मैंने सूखने मिट्टी के डाले हैं, बहुत सारा काम है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। बस वही सब निपटा रही हूँ। और यहाँ मिष्टी आ जाओ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मिष्टी आ गई है। हेलो मिष्टी, हाय। सो फ्रेंड्स, मिष्टी को भी थोड़ा सर्दी हो गया था, लेकिन मुझे सर्दी नहीं है, तो इसको मेरा वाला सर्दी नहीं हुआ है, तो वैसा कुछ इशू नहीं है। और अभी हम लोग ठीक हैं। तो आज मैं क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो दिखा भी नहीं पा रही थी कि मिष्टी अब थोड़ा थोड़ा करके चलना सीख गई है, और वो पूरे घर में अभी चलती ही रहती है, चल चल के बैलेंस भी करती है। मिष्टी आगे बैठो, बैलेंस कर करके वो चलती है। तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक ही बेडशीट लगा हुआ था, मैं चेंज नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं पिलो कवर लगाऊंगी, तो ये रहा पिलो कवर, मैं अभी दोनों में लगाऊंगी। और ये रही मेरी मिष्टी रानी, जो कि चल रही है। मिष्टी तो मिष्टी बस बदमाशी करने में लगी रहती है दोस्तों, कभी ये चीज़ खोलती है, कभी वो चीज़ खोलती है, हर चीज़ उसको खोल के देखना होता है। तो अभी वो उसको डेस्क को खोल रही है, और वो खुल नहीं रहा है, तो चिल्ला रही है, मिष्टी क्या नहीं हुआ बेटा। मिष्टी कितनी प्यारी लग रही है ना फ्रेंड्स, फ्रॉक में, पायल और ये सब में। नो मिष्टी नो, आ जाओ, कम बैक मिष्टी, कम बैक। सो फ्रेंड्स, मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है, पिलो कवर भी लगा दिया है, और ये मिष्टी आ गई है, मुझे मार रही है। ये मैंने नया ही चश्मा लिया था, और मुझे थोड़ा आँखों में थोड़ा थोड़ा पावर है, तो उसके लिए नया चश्मा लिया। इसके पीछे मिष्टी एकदम पड़ गई है, हाथ धो के, या तो छीनती रहती है या तो मारती रहती है। देख रहे हैं कितना ज़ोर ज़ोर से मार रही है मिष्टी। क्यों मार रही हूँ बेटा, क्यों मार रही हूँ मम्मा को? पूछने से हगी हगी करती मम्मा को हक करती है बेटा। सुनो बच्चे, मम्मी को हक करता है और फिर मम्मी को मारता भी है। जा 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 मिष्टी, अभी जा जा बोलना सीखी है फ्रेंड्स। वो बिंदी लेके खेलती रहती थी ना, तो वो बिंदी गिर जाता था, तो मैं बोलती थी जा, तो अभी मिष्टी बोलना सीख गई है, जा। मिष्टी आ जा करके बता दो, मिष्टी जा जा। और वो जा बोलने के बाद नीचे ढूंढती है, उसको लगता है कि नीचे ही कुछ खो गया है। मिष्टी जा जा, मिष्टी जा। और वो नीचे ढूंढ रही है, कहाँ गया, क्या गया।
काफ़ी दिनों तक तबीयत ख़राब था फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ा ठीक हूँ तो अच्छा लग रहा है। घर का काम वाम भी निपटा रही हूँ, क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा पेंडिंग हो गया था ना, इधर कपड़ा उधर कपड़ा, ये वो साफ़ सफाई, धोना, किचन गंदा, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं मिस्टी नो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब एक एक करके सब निपटा रही हूँ। और अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तो देखती हूँ क्या क्या करूँगी आगे, जो भी करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ मिस्टी सो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ फटाफट से सारे कपड़े समेटने। तो यहाँ मैंने कपड़ा समेटना स्टार्ट कर दिया है, मैंने स्टैंड नहीं लगाया, मैंने सोचा मैं समेटती हूँ फटाफट से और मैं दिखा दूँगी। और फिर ये सारे कपड़े समेटने के बाद मुझे लग गया था बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने सोचा एक मैगी बना लेती हूँ। तो एक मैगी मैंने बना लिया, तो मुझे याद ही नहीं रहा खाते हुए दिखाने का, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। लास्ट का एक दो बाइट ही रह गया था, तो वही मैं खा रही थी। और यहाँ मैंने कपड़े वपड़े सब कुछ समेट लिए हैं। और हमारे घर में एक दीदी आने वाली थी, वो बहुत दिनों से बोल रही थी कि मिस्टी को इस तरह से ये वाला खाना खिलाओ, ये वाला खाना खिलाओ। तो हम लोगों ने बोला कि दीदी आप एक बार आके बना दीजिए। तो वो दीदी आज घर पे आई थी, तो उन्होंने ये बनाया है और ये बोला कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और यहाँ आ गई है मिस्टी रानी। मिस्टी एक्चुअली बदमाशी कर रही थी, मैंने उसे बोला कि लो फ्रूट लेके खा लो, पर वो चिल्ला चिल्ली कर रही थी और मेरा पूरा प्लेट ही छीन रही थी, और उसके बाद रोने लगती है। तो यहाँ कर रहे हैं मिस्टी के पापा मिस्टी का तेल मालिश, और जो कि मिस्टी के पापा भी रोज़ उस शाम को खुद ही करते हैं। तो एकदम मिस्टी बहुत ज़्यादा चलती है ना, उसके पाँव में बहुत दर्द होता है, तो वो खुद करते हैं एकदम टाइट टाइट करके मालिश। तो यहाँ मैं आ गई हूँ आज पालक पनीर बनाने दोस्तों। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं पालक पनीर कैसे बनाती हूँ, एकदम टेस्टी। और आज तो एक अलग सा तड़का लगाऊंगी, एकदम होटल स्टाइल बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैंने यहाँ पानी बॉईल करने चढ़ा दिया था और उसमें मैंने डाल दिया है कुछ काजू, एक पालक पूरा डाला है मैंने, एक पालक का गुच्छा, आधा मिर्ची डाला था मैंने। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए, तो 5 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। 5 मिनट के लिए बॉयल होते ही मैंने इसे खोल लिया है, और खोल के अब मैं ये सारे के सारे निकाल लूँगी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना वरना इसका ग्रीन कलर चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ कुछ थोड़ा सा लहसुन मैंने ग्रेट कर लिया है, एक प्याज कट किया है, आधा टमाटर लिया था ना मैंने। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल में कर रही हूँ मैं पनीर फ्राई। तो ये पनीर मेरा घर का बनाया हुआ था, तो ये पनीर सबसे पहले मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये अमूल का पनीर है, तो मेरे पास इतना ही पनीर था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और पनीर ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा मैंने अमूल का पनीर ऐड कर लिया है, तो ये भी मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से पालक पनीर बनाने से ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग को एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एकदम तंदूरी स्टाइल पालक पनीर, मतलब इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना फ्रेंड्स, आप बस देखते जाइए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने वाली, तो मैंने उसी तेल में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और दालचीनी का 2 टुकड़ा डाला है, 2 तेज पत्ते डाले हैं, और फटाफट से चॉप किया हुआ लहसुन डाल के चला दूँगी। तो अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें फटाफट से प्याज, क्योंकि लहसुन जो है वो जल ना जाए। तो इसमें मैंने छोटे छोटे चॉप किए हैं प्याज को, तो मैं उसको इसे अच्छे तरीके से चला लूँगी। और हाँ बता दूँ दोस्तों कि मैं इसमें किसी भी तरह का मसाला पाउडर कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, जैसे कि जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सब आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं करूँगी। तो ये देखिए यहाँ मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये जो मैंने पालक बॉईल किया था उसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए पालक का पेस्ट मैंने बना लिया है। और इधर मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसी पॉइंट पे हमें टमाटर को ऐड कर देना है। तो अब मैं फटाफट से कर रही हूँ नमक और हल्दी ऐड। तो इस पॉइंट पे अगर आपको जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये सब ऐड करना हो तो कर सकते हैं, ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो पालक का फ्लेवर आता है और वो जो तंदूर करेंगे हम उसका फ्लेवर ही मेन है, ज़्यादा जीरे वीरे का फ्लेवर का ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दिया था, तो ये देखिए ये सब डाल के मैं अच्छे से चला लूँगी। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है, टमाटर को गलने के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल गया है, तो मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी ऑलमोस्ट हर होटल में डालते हैं पालक पनीर में, तो मैं भी डालती हूँ, तो मेरे पास अवेलेबल था, ना अवेलेबल हो तो ना डालें। मैं थोड़ा सा उसे हाथ में ऐसे रगड़ के डाल रही हूँ, तो ये देखिए मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है।
थोड़ा देर कसूरी मेथी डाल के चला लूँगी और चलाने के बाद ही मैं इसमें फटाफट से ऐड कर दूँगी हमारा पालक का पेस्ट। तो इस पालक के पेस्ट को ऐड करके हम अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स करके भी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अब यहाँ पे, अच्छा जो मैं पानी ऐड कर रही हूँ वो पानी वही सेम पानी है जो पालक का पानी था, उसे मैंने छान के रख लिया था। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसे चला लूँगी और चलाने के बाद इसे हम आने देंगे बॉयल। तो इसे अच्छे से पहले हमें बॉयल करना है। और हाँ, ये देखिए पालक वाला ही पानी, आपको जितना पानी ऐड करना हो उसी टाइम पे आप ऐड करें, या फिर पालक का पानी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पालक का पानी गर्म रहेगा तो कोई इशू नहीं है। तो अभी ये देखिए फटाफट से इसमें आ गया है बॉयल। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा बटर। बटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं मन हो तो ना डालें, लेकिन डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इधर मैंने डाल दिया फटाफट से बटर और इसे मैं अब अच्छे से चला रही हूँ। तो इसका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मैं ज़रा सा पहले नमक टेस्ट कर रही हूँ, तो नमक एकदम परफेक्ट था, क्योंकि पालक पनीर है ना फ्रेंड्स, इसमें नमक थोड़ा सा डालने से ही टेस्ट आ जाता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ फ्राइड पनीर, आप चाहें तो इसी पॉइंट पे कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत लोग कच्चा पनीर पसंद करते हैं। तो यहाँ आ गया मेरा कोयला, तो ये मैं कोयला आधा जला ले रही हूँ और वो बिल्कुल लाल कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। तो बस इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है, वो है गरम मसाला। तो गरम मसाला ज़रूरी है दोस्तों, तो लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं गैस को कर दूँगी ऑफ। तो यहाँ मेरा पालक पनीर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी बर्तन में, और बर्तन में निकालते ही देखिए मैंने एक कटोरी लिया है छोटा सा, और उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है। तो एल्युमिनियम फॉइल लगा के मैं क्या करूँगी, इस कटोरी को बीच में प्लेस कर दूँगी और उसके बाद मैं ले लूँगी जो मैंने कोयला जलने के लिए रखा था ना दोस्तों, उस कोयले को मैं ले लूँगी और ले कर रख दूँगी मैं बीच में। तो अब हम यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया और देखिए बिल्कुल धुआँ धुआँ। तो अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक के इसके ऊपर कुछ भारी सा चीज़ रखना है, तो मैं इसके ऊपर रख दूँगी लोढ़ी। और ये रख के अब हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब देखिए आधे घंटे बाद मैं खोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो हमारा पालक पनीर बनके बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो अब हम इसे कर लेंगे साइड। फ्रेंड्स ये देखिए मिष्टी आ गई है, मिष्टी अभी क्लास से खेल रही है और मिष्टी के पापा ने मिष्टी का बहुत अच्छे से मालिश कर दिया है। मैंने भी खाना बना लिया है और मैंने मिष्टी के लिए, मैं मिष्टी को भी रात में दूध रोटी खिलाती हूँ ना, तो दूध मतलब रोटी मैंने भिगा दिया है, तो थोड़ी देर में इसे वो भी खिला दूँगी। तो आज के व्लॉग को अब यही एंड करते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।